नमस्कार। और गंगापुर सिटी एसडीएम कार्यालय में राशन डीलर दे रहे हैं ज्ञापन अपनी समस्याओं के लिए, और ये पूरे राजस्थान भर में ही राशन डीलर के डीलरों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। गंगापुर सिटी एसडीएम कार्यालय में देंगे ये ज्ञापन अपनी समस्या को लिए। आइए मालूम करते हैं किस चीज़ के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है, क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो हमारी 10 है साहब। इन 10 मांगों में एक तो जो पोस्ट 2016 से चली आ रही है उसका हमारा मशीन का रख रखाव का जो पैसा कट रहा है उसको बंद किया जाए जी। और दूसरी मांग हमारी यह है कि बादवा जो कमेटी आयोग की रिपोर्ट सिफारिश है उसको लागू की जाए, भारत सरकार द्वारा जो गठित है बादवा कमेटी। और तीसरी मांग हमारी अनुकंपा नियुक्ति, ये अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, और यह अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है तो हम उनको 300 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन दिया जाए। ये नई दुकान में दिखी है, ये 5000 दुकानों लग रही है। हाँ तो इसमें तो आज पूरे प्रदेश में और प्रदेश संयोजक डिंपल कुमार शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष हमारे सरदार जी अहमद जी द्वारा जो आदेश दिया गया उसकी पालना हम डीलर एसोसिएशन द्वारा की जा रही है। और राजस्थान में उपखंड जिला स्तर पर सभी डीलर एसोसिएशन और डीलर द्वारा आज ज्ञापन दिया जा रहा है। जो समस्याएं हैं अभी जो बताई अध्यक्ष साहब ने, उस समस्याओं का निराकरण के लिए हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन ये करना चाहते हैं एप्लीकेशन द्वारा कि हमारी ये समस्याएँ सुने। क्योंकि जब से सरकार आई है, क्योंकि वसुंधरा कार्यकाल में 87 रुपये से 125 रुपये किया गया था ये कमीशन, उसके बाद में अभी तक 3-3.5 साल हो गए, 1 रुपया अभी तक बढ़ा नहीं है, जबकि कमी हुआ है। पोस्ट मशीन के नाम से कुछ काटा जा रहा है 5.21 रुपये कुछ सारा, और तो मतलब 125 रुपये भी नहीं मिल रहा है, 109 रुपये मिल रहे हैं जो कि ना काफ़ी है। तो ये सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए और जो निम्न मांग है उनके हमारे पूछ लीजिए। किसके क्या बन देंगे? जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। सर आपका नाम और क्या पद भरा? करण सिंह लोधा, गंगापुर शहर उपाध्यक्ष। ठीक सर, बहुत शुक्रिया तमाम। सभी राशन डीलर दे रहे हैं एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन। पीछे हो रहा है।